एक ट्रिक को देख लेते हैं बेटा इवोल्यूशन में से। आप बहुत बार कंफ्यूज होते हैं बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस ऑर्गन्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब होता है बेटा जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर एक जैसा हो, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि आपके सामने इमेज आ रही है बेटा कि आप देख पा रहे हैं बेटा द हैंड ऑफ मैन, चीता, व्हेल एंड बैट। इनमें भी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स होते हैं बेटा, लेकिन इनका फंक्शन अलग है। बैट उड़ता है, व्हेल तैरती है, चीता रन करता है एंड मैन कैन ग्रैस्प समथिंग। ठीक है बेटा, सो सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, इसको आप क्या बोलोगे? होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर एंड दे शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दूसरा होता है बेटा एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स का मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट। इनका स्ट्रक्चर भले अलग अलग है, ये अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन फंक्शन एक जैसा होता है, दैट इज फ्लाइंग। ठीक है, सो याद रखेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस।